हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बिहार सिविल कोर्ट के साथी जो एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो क्लर्क हो, स्टेनोग्राफर हो, प्यून हो, आप लोगों के लिए आज जो है फाइनली एक बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि आज आप लोग की उस रिक्वेस्ट को मैं फुलफिल कर रहा हूं जो कि आप लोग के थे, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि क्या पढ़ लें और सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि तमाम ऑनलाइन कंटेंट्स थे, तमाम ऑनलाइन चीज़ें थी और साथ ही अब एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है वो स्कोपिक हो रहा है, बैठक हो गई एक, उसमें जो निकल के आया और जिससे लग रहा है कि आपके पास और कितना टाइम है, तो इसलिए मैंने आज का टाइम चुना कि आज मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके पास कितना टाइम बचा है और इस बीच में आपको क्या पढ़ना है। दो सेगमेंट में रखेंगे, एक तो प्यून वाले साथी काफी ज्यादा परेशान है और वो अंग्रेजी को लेकर परेशान है, हालांकि 15 नंबर का ही है लेकिन कंपटीशन वो भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि हां आपको तो आज अंग्रेजी की ऐसी एक किताब बताऊंगा। देखिए ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, किसी किताब से पैसे नहीं लिए मैंने और ना मैं कभी लेता हूं, तो ऐसा कुछ ना सोचिएगा, आपकी हेल्प के लिए बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो हम लोग हिंदी मीडियम जो बिहार बेल्ट है अपना हिंदी में पढ़े हैं, अंग्रेजी का किताब अंग्रेजी में ही पूर्णता होता है, समझ में नहीं आता है, उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है और समझ में नहीं आता है किताब वो कह क्या रहा है। तो इसलिए आज जो है प्यून के लिए तीन किताब बताएंगे रामबाण, जो पढ़ लीजिएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर वो पी गए। और देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, 50 को किताब एक बार पढ़ना और एक वो किताब 50 बार पढ़ना, सिलेक्शन तभी होगा जब एक किताब 50 बार पढ़िएगा, इसलिए आज जो बताऊंगा वो आपके मार्केबल होगा, इसलिए इंतज़ार कीजिए। और एक चीज़ और, आज तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार देख रहे हैं या देखते थे सब्सक्राइब नहीं किए, तो आज कर लीजिएगा। अब जो है सेगमेंट आपकी तैयारी की तरफ बढ़ाएगा क्योंकि देखिए अब टाइम आ गया है, एक महीने का समय है आप लोगों के पास, बताएंगे उसके बारे में भी, और अब आपको सिलेबस कवर करना है और उसके बाद चपरासियों के लिए 10 नंबर का जो इंटरव्यू है 15 नंबर का बहुत बड़ा रोल निभाएगा। आप सबको भी पता है कि अब आपको अपने इंटरव्यू में क्या होता है, वही क्या होता है, खाता क्या होता है, रिट क्या होता है, पिटीशन क्या होता है, ये कानूनी जो वर्ड होते हैं जो इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं उसी पे 5 नंबर मिल जाता है कि भाई इसको तो बहुत कुछ पता है। अब उसका भी सेगमेंट शुरू करेंगे, अब टाइम आ गया है, तो अब आप लोग भी कुर्सी की पेटी बांधिए और अब अपने रेस में दौड़िए क्योंकि नंबर आपको ज्यादा उठाना ही है और हम आपकी हेल्प करेंगे इंटरव्यू के लिए। जुड़ जाइएगा, आप सब्सक्राइब करके रखिएगा अगर आज तक नहीं किए हैं तो। चलिए अब बात करते हैं आप लोगों के लिए। अच्छा एक और चीज कि आप में से बहुत सारे साथी जो है ना हमसे लगातार एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमको जुड़ना है, तो आप लोगों के लिए ये है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग देख लिए होंगे और आप लोगों के पास अकाध्यम माध्यम है कि आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले आ जाते हैं बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम कब हो रहा है, इसको लेकर के एक बैठक हुई है जो अंदरूनी है, जिसको मेरे सूत्रों ने बताया, माई टाइम वी रॉन्ग, लेकिन जो मुझे पता चली है, देखिए आपका एग्जाम मार्च में नहीं हो रहा है और अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको हाई कोर्ट का एग्जाम देखने को मिलेगा और अप्रैल में ही आपको बिहार सिविल कोर्ट का प्यून, क्लर्क, स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर चारों के एग्जाम होंगे। कुल मिला के आप आज से समझिए कि 1.5 महीने का एक स्लॉट बनाइए और अब उन किताबों की तरफ बढ़िए जो आपके लिए हितकारी हैं, जिनको आपको पढ़ना है, जिनको लेकर के अगर इतना कंप्लीट है तो आप पहला पड़ाव आराम से पार कर लेंगे और प्यून वालों को तो फाइनल सिलेक्शन है, उनको सिर्फ 3 किताबें बताऊंगा और उससे उनका काम हो जाएगा, तो प्यून वाले 3 किताब पढ़ लेंगे। देखिए अब आते हैं आपके सिलेबस को कवर करते हैं। आपको पता है कि कोर्ट रीडर, स्टेनोग्राफर या फिर क्लर्क, इन सब के लिए आपको पता है आपका सिलेबस क्या है, नंबर कितने हैं। अब आपके 1 by 1 करके हम आपको लेकर के चलते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले रीजनिंग के लिए लगातार सवाल आ रहा था कि रीजनिंग के लिए क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो देखिए रीजनिंग के लिए आप एक ही किताब उठाइएगा। देखिए कोई स्पॉन्सर नहीं है, आपको भी पता है हम ऐसा काम नहीं करते हैं। आप लूसेंट का MCQ वाला GS उठा लीजिएगा, MCQ वाला उठा लीजिएगा GS वो, और अगर ये कंप्लीट कर लिए हैं तो घटना चक्र उठा लीजिएगा एक बार, ये 2 पढ़ लीजिए, आपका GS कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास घटना चक्र नहीं है या पैसे की कमी है तो एक लूसेंट का MCQ वो देख भी लीजिएगा, उसको रट्टा मार लीजिएगा, आपका GS क्लियर हो जाएगा। दूसरे सेगमेंट में आपका आता है हिंदी। हिंदी के लिए आपको पता है रामबाण एक ही किताब चाट डालिए, लूसेंट का MCQ वाला हिंदी का जो होता है वो चाट डालिए, आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा आपको आगे चल के लिखना भी पड़ता है, सब्जेक्टिव भी होता है, तो आप उसको लेकर के थोड़ा डीप देख लीजिएगा लूसेंट का अगर, लेकिन आपके पास कम टाइम बचा है MCQ चाट जाइए लूसेंट का हिंदी का, आपका काम हो जाएगा। गणित को लेकर के बहुत सारे लोग कह रहे थे, तो देखिए जिनका गणित बढ़िया है, मतलब गणित बढ़िया का मतलब ठीक ठाक है, मतलब कुछ तो ऐसे होंगे जो इनका एकदम लेवल ही नीचे है,
बिल्कुल, तो उनको तो भाई जीरो से शुरू करना पड़ेगा, तो उनके लिए एक ऐसा पतला किताब जो आपका काम कर दे और आपका काम हो जाए और आपको समझ में आ जाए, एक ही जगह एग्जाम्पल मिल जाए, एक ही तरह के सवाल का 5-10 हो, तो वो जो है आपको वो किताब बहुत हेल्प करेगी, तो आप वो लगा लीजिएगा। तो ऐसे 2 किताबें मैं आपको बता देता हूँ, आप अपनी इच्छा के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर बेसिक कंप्लीट है, गणित ठीक ठाक, तो आर एस अग्रवाल से बढ़िया कोई किताबें नहीं है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको चाट जाइए। और अगर गणित बिल्कुल नहीं आता है या थोड़ा कम आता है, तो आप एक SD यादव की किताब है गणित की, जिसमें बेसिक से शुरू है, उसको लपेट लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये मैं आप 3 पद वालों को बता रहा हूं, जिनका मतलब कलर के स्टेनोग्राफर कोट रीडर का है, ये आप लोग रट लीजिए या चाट लीजिए, बस इतना टाइम। लेकिन ये भी बता रहा हूं कि अभी टाइम है, आप इसको खा सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन कोर्स से किसी भी कुछ भी पढ़ रहे हैं आप, यहां सॉल्व कर लीजिएगा ना, आपका काम हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में पिछली बार का पैटर्न देखिए, इस बार का भी देखिए, हमको जो सूचना मिली सवाल इधर से ही आएंगे, ऐसे ही मिलते जुलते सवाल आएंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं अंग्रेजी का, आगे मतलब अंग्रेजी जो सबसे बड़ा विषय है, जिसमें अंग्रेजी में आप लोग मतलब बहुत सारे साथी जो अपना बिहार बेल्ट है, यूपी बेल्ट है, इधर का है नॉर्थ इंडिया का, उसका थोड़ा अंग्रेजी का जो लेवल होता है वो कम होता है, तो ऐसे लोगों को देखिए जिनका ठीक ठाक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब पढ़ाई का धार आ चुका है, अब तैयारी हमारे साथ, और जिस दिन कोर्ट में मिले आपको अधिकारी बन के मिलना है हमसे, और कहिएगा कि भैया हमने आपको देखा था, यही उम्मीद करता हूँ, सब्सक्राइब करके रखना। देखिए आगे बताता हूँ आपको, अंग्रेजी अगर पढ़ना है आपको, अगर अंग्रेजी का आपका लेवल कुछ लोगों का है अपने यहाँ भी जो ठीक ठाक अंग्रेज हैं, मतलब अंग्रेजी उनको आती आ रही है, अच्छी आती है, तो SP बख्शी की किताब पढ़ लें अगर उनका अंग्रेजी ठीक ठाक है तो, या फिर लूसेंट पढ़ ले, दोनों ही उनको कवर करके दे देगा अंग्रेजी। और अगर बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती है, जीरो है या कम आती है, बहुत कम आती है, अंग्रेजी टू अंग्रेजी में भी दिक्कत होती है, तो एक किताब आती है परफेक्ट, लिख लीजिए परफेक्ट, उसमें हिंदी ड्यूलिंगुअल होता है, तो आपको हिंदी अंग्रेजी में समझ में आ जाएगा, और उससे आप अपने बेसिक्स जो हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं। और एसे को लेकर के लेटर को लेकर के, ये सब चीज़ें जो है इसको लेकर के, अगर आपको अंग्रेजी, मैं फिर से बताऊँ, अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो एसे के लिए भी SP बख्शी की किताब बहुत अच्छी है, लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, इसलिए आप थोड़ा सा नीचे आइए। और अगर आपको नहीं आता है तो एसे के लिए अरिहंत की किताब ले लीजिए, अरिहंत हिंदी अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल होता है, उसका भाषा थोड़ा सा होता है, और इससे भी तैयारी हो जाएगी, काम भर का नंबर आ जाएगा। तो ये जो है आप लोगों के बुक समरीज हैं, ये जो बुक है ये स्टैंडर्ड है, और ये आप कलर कोट रीडर प्यून मतलब सबके लिए है, इससे प्यून का भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन प्यून का मतलब ये है ना कि थोड़ा सा मतलब 10वीं का लेवल है, तो वो उनकी अंग्रेजी भी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो अब बात करते हैं प्यून की, प्यून के सेगमेंट की बात करें तो आज प्यून वालों को ये बुक बता रहा हूँ, जो बुक्स बता रहा हूँ आप सिर्फ इसको कवर कीजिए, और इसको इतना कवर करिए 50 बार एक किताब पढ़िए, 50 किताब एक बार नहीं पढ़ लीजिए, आपका काम पूरा, उम्मीद है कि ये 3 किताब रामबाण कर देगी। अंग्रेजी को लेकर के जो डर है हम समझ गए, आप लोग के कॉमेंट्स बहुत सारे आ रहे थे कि अंग्रेजी में क्या करना है क्या नहीं करना है, अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है तो आपके लिए भी परफेक्ट जो किताब है, परफेक्ट लिखा है, परफेक्ट नाम है किताब का, मंगा लीजिए, बेसिक से अंग्रेजी समझा देगी। थोड़ा बहुत ठीक है तो लूसेंट का अंग्रेजी पढ़ लीजिए, और अगर बिल्कुल नहीं आती है तो परफेक्ट से आपका काम चलेगा। अगर आपको मतलब जनरल इंग्लिश से, अगर लूसेंट अगर आप थोड़ा ठीक ठाक हैं तो जनरल इंग्लिश पढ़ लीजिए, इससे प्यून में भी हो जाएगा और बाकी सबका भी कवर हो जाता है। ये है हिंदी को लेकर के आप लोग के तमाम डाउट्स हैं, हिंदी के लिए भैया कोई हल्की किताब ना उठाइए, क्योंकि हिंदी का आपको पता है 30 नंबर है, और हिंदी आप लोगों की अच्छी है, असली हथियार आपका हिंदी ही है, ये आप भी जानते हैं। तो हिंदी को लेकर के सामान्य हिंदी लूसेंट की उठाइए और पी जाइए, प्यून की नौकरी के लिए और दल्ली की नौकरी के लिए, इससे बढ़िया किताब नहीं है, आप पी जाइए लूसेंट की सामान्य हिंदी, और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आप लोगों की मदद के लिए बता रहा हूं। तो आप हिंदी के लिए पढ़ लीजिए सामान्य हिंदी लूसेंट की, और एक ही किताब को इतना लपेट लीजिए, क्योंकि सवाल मुझे जो लगता है ना घुमा फिरा के इसी में से आएगा। ट्रिक्स वगैरह की बात जो है फिर कभी करेंगे, अभी फिर सिर्फ किताबें जो आप लोग लगातार कह रहे थे कि भैया एक बार बता दीजिए, तो चलिए अब आपको बता रहे। तीसरा चीज़ आता है गणित, गणित के लिए क्या पढ़े। अगर गणित आपको ठीक ठाक आती है, बिहार के लोगों का गणित ठीक रहता है हम इतना जानते हैं, क्योंकि हमारा ठीक है, क्योंकि हम एडवांस लिए थे, हमारे टाइम में एडवांस चलता था मैथ और एडवांस, तो एडवांस से हम पढ़े हैं, तो इसलिए आपको बता रहे। लेकिन फिर भी एवरेज गणित ठीक ठाक रहता है, जोड़ घटाव गुणा भाग हानि लाभ ये सब ठीक रहता है। तो अगर थोड़ा बहुत ठीक है आपका गणित, तो आर एस अग्रवाल उठा लीजिए,
पता है आपको कि आर एस अग्रवाल का स्टैंडर्ड हर चीज़ में काम करता है। अगर आपके पास है तो आर एस अग्रवाल पढ़ लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। और गणित बिल्कुल कमज़ोर है जिन साथियों का, उनके लिए जो है मैं आपको एक किताब बता रहा हूँ, सगीर अहमद की एक किताब है नवीन अंक गणित के नाम से। तो आप सगीर अहमद की किताब उठाइए, उसमें बेसिक से गणित सिखाया जाता है, आप उसको उठा लीजिए। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आप लोगों की इच्छा है। अगर आपके पास कोई दूसरा बुक है, हर किताब आपको पढ़ाएगी ही, मैं उन बच्चों की मदद कर रहा हूँ जो थोड़ा सा लो लेवल पे हैं। तो ये तीन किताब आपके हो गए, ये तीन किताब अगर आपके पास हैं इनको पी जाइए, और इंटरव्यू के लिए अपने भाई से मिल लीजिएगा। हम लगातार 10 इंटरव्यू का वीडियो ज़रूर बनाएंगे, जिसमें आपको लीगल पैटर्न के बारे में समझाएंगे, लीगल लॉजिक क्या होती है, कोई फाइल मांगेगा तो क्या कहेगा, काउंटर कहाँ है, ले आओ उसका अमेंडमेंट कहाँ है, उसका ले आओ रिजाउंडर कहाँ है, इसको क्या बोलते हैं, ये सब क्या होता है, कोर्ट के बहुत सारे नाम अलग अलग होते हैं, जैसे बैठकी का होला या फाइल मंगाना है तो उसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, रिट ले लो, पेटिशनर ले लो, है ना, काउंसिल को बुलाओ तो काउंसिल माने वकील होला, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको इंटरव्यू के लिए धीरे धीरे टाइम टू फ्रेम बताऊँगा, आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो ये तमाम बुकलेट्स थे, ये तीन किताबें प्यून के लिए हैं जो आपके लिए रामबाण है, इसको कंप्लीट कर लिया आपका काम हो जाएगा अगर ठीक से कर लिया। और अब आ जाता है एग्जाम डेट, तो मैंने आपको बताया है कि चाहे कितना भी कोई हल्ला कर ले, मार्च में एग्जाम हो नहीं रहा है, फरवरी में एग्जाम शुरू हो जाएंगे हाई कोर्ट और फिर आपके भी, तो सॉरी अप्रैल में, तो अप्रैल में चांस है कि अप्रैल में आपका भी एग्जाम खत्म हो जाना है। तो आप लोग 1.5 महीना का टाइम लीजिए और आज से इन किताबों के साथ जुड़ जाइए। उम्मीद करता हूं कि भैया हर आदमी मुझे कोर्ट के अंदर मिलेगा और कहेगा भैया आपको देखे थे और इन किताबों से हमको फायदा हुआ। तो आप सबके भविष्य की शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, प्रणाम।